तो आई गेस तस्वीर में बात करने जा रहे हैं, क्या इंडिया रेडी है चाइना के फ़ोन को बॉयकॉट करने के लिए? क्या हम चाइना के प्रोडक्ट्स अब लेना बंद कर सकते हैं? अब देखते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस बचेंगे अगर हम ये जितने भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं उनको बॉयकॉट करेंगे। और इस वीडियो को जो लाइक है मैं 20 लाइक है, 20 लाइक कर देना। सब्सक्राइब तो मुझे पता है आप कर ही दोगे, तो चला बड़ा टाइम वेस्ट करें, शुरू करते हैं। तो यार अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन ब्रांड्स की, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर 10,000 के प्राइस सेगमेंट पे, तो हमें इस वक्त जो है इन्फिनिक्स का हॉट 8 प्रो देखने को मिलता है 9,500 रुपये में, जिसमें हमें मीडियाटेक का हीलियो P22 देखने को मिलता है। अब यार या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मीडियाटेक कंपनी है, स्नैपड्रैगन कंपनी है, वो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड के साथ काम ही नहीं करना चाहती है, या फिर इंडियन ब्रांड उनके साथ नहीं काम करना चाहता। क्या दिक्कत है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मीडियाटेक का हीलियो P22 अब मुझे नहीं लगता कि 10,000 में वो इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता तो नहीं है वो। बट अगर आप देखो वहीं पे रेडमी के फ़ोन्स में, तो वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 665 तक चले जाते हैं, या फिर स्नैपड्रैगन का 660 तो आजकल देखने को मिल ही रहा है, और 710 वाला जो चिपसेट है वो 12,000 रुपये में आपको देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 675 11-12 हज़ार रुपये में मिलता है आपको। और वहीं अगर आप इंडियन ब्रांड्स को देखो या फिर नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स को देखो, चाहे आप सैमसंग को ले लो, और अब इस प्राइस सेगमेंट पे सैमसंग और इन्फिनिक्स ही हैं ज़्यादातर, तो बाकी इस प्राइस सेगमेंट पे और कोई भी फ़ोन नहीं है नॉन चाइनीज़ ब्रांड की अगर मैं बात करूँ। बाकी इसी प्राइस सेगमेंट पे रियलमी के फ़ोन्स भरे हुए हैं, इसी प्राइस सेगमेंट पे रेडमी के फ़ोन्स इतने सारे भरे हुए हैं। बजट स्मार्टफोन्स आप मान ले लो, चाहे एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स आप ले लो, चाहे आप थोड़ा सा और बजट अपना बढ़ाओगे 20 से 25 हज़ार तक, वहाँ पर आप देख लो आजकल 50 हज़ार का भी फ़ोन शाओमी का आ गया है, रियलमी का आ गया है। सबसे पहला 5G उन्होंने लॉन्च करा है। अब मुझे नहीं लगता कि अभी इंडिया इतना कैपेबल है कि वो इंडिया के इंडियन स्मार्टफोन इतने ज़्यादा अच्छे आएँ, क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपके फ़ोन में अगर इन्फिनिक्स भी है, तो इन्फिनिक्स के जो फ़ोन्स हैं वो सारे असेंबल तो इंडिया में हो रहे हैं, लेकिन जो उसका सामान बन के आ रहा है वो सारा चाइना से आ रहा है, क्योंकि जो चाइना है वो बहुत बड़ी टेक कंपनी है, उसको बनने में कम से कम 10-20 साल से ज़्यादा ही लगे हैं। और अभी अगर इंडिया एकदम से, अगर आप काफ़ी सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि अपने फ़ोन फेंक रहे हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें फेंक रहे हैं। अब यार मुझे पता है कि जब गांधी जी ने ये चीज़ चलाई थी कि अंग्रेज़ों का सामान नहीं यूज़ करना, तो सबने जला दिया था, क्योंकि उस वक्त जो है हमारे खुद के कपड़े थे उस वक्त, कि हम खुद अपने कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब अगर आप अपने फ़ोन फेंक दोगे तो आप क्या चलाओगे? जिस फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है वो भी चाइना का सेंसर है, जिस कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है वो भी चाइनीज़ सेंसर है, जिस फ़ोन जो आप फ़ोन फेंक रहे हो, जो कि प्रिंटिंग मशीन हो रही है न्यूज़पेपर, वो भी टाइप ऑफ चाइना का एक ना एक पार्ट उसमें लगा ही लगा हुआ है। तो चाइना बहुत ज़्यादा बड़ी, एक बहुत ज़्यादा तगड़ी कंट्री है टेक के मामले में, कि उसका हाथ हर एक जगह है। अगर आप एसुस को ले लो, सैमसंग का ले लो, जिस मर्जी को ले लो, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है वो चाइना से 1-2% मिनिमम, 1-2% तो ली ही ली गई है। अच्छा आप इन्फिनिक्स ले लो, इन्फिनिक्स का जो कैमरा है सोनी का कैमरा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा सैमसंग का आ जाएगा, वो भी चाइना में बनता है, जो सारे पार्ट्स आते हैं वो सारा जो है चाइना से आता है। अभी इंडिया इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कैपेबल हुआ है कि वो अपना खुद का ब्रांड शुरू करें। हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सैमसंग के फ़ोन ले लें, या फिर हम एसुस के फ़ोन ले लें, हम और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनके फ़ोन ले लें, आईफोन ले लें, जो जो मर्ज़ी ले लें, लेकिन अगर आप देख लो आईफोन बीइंग एन यूएसए कंपनी, उनके जो फ़ोन है वो असेंबल चाइना में होते थे, या फिर उनके जो पार्ट्स हैं वो असेंबल कैलिफोर्निया में होते थे, बट जो पार्ट्स हैं वो एट द एंड कहाँ से, चाइना से ही आ रहे हैं। अब ब्रांड तो आप अपने नाम कर सकते हो कि भाई इंडियन ब्रांड है, बट पार्ट्स तो देखो यार वहीं से आ रहे हैं ना। और उसके बाद अगर इंडियन ब्रांड, अगर आप चाइनीज़ ब्रांड को अगर एकदम से बॉयकॉट कर भी दो, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम और कोई फ़ोन चलाए। तो मुझे लगता है कि यार एक काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी का डिसीज़न है लोगों का, कि वो जो है चाइना के प्रोडक्ट्स को फेंक रहे हैं, क्योंकि अब आपके उससे पैसे खर्च हो चुके हैं। 10,000 रुपये का आपने फ़ोन लिया, अब आपके पास ले लिया आपने, अब अगर उसको आप फेंक दोगे, जला दोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कर सकते हो कि आप उसके बाद लो ना। अब अगर आपने अपना फ़ोन तोड़ दिया, अब आप कौन सा फ़ोन लोगे? कोई इंडियन ब्रांड तो सिर्फ इन्फिनिक्स है, इन्फिनिक्स नहीं तो माइक्रोमैक्स है, माइक्रोमैक्स नहीं तो हमारे पास कार्बन है। अब कार्बन मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा, कार्बन माइक्रोमैक्स तो यार चिपकाने वाला फ़ोन ही है वही, ब्लैकबेरी गया वैसे माइक्रोमैक्स गया, अब तो इंडिया में कोई माइक्रोमैक्स का फ़ोन भी नहीं आता,
अब यहाँ पर सोनी और एलजी जो है अपने जो फोन्स हैं वो इंडिया में लाने के सोच रहे हैं। बाकी अब मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अभी इंडिया इतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो बॉयकॉट कर सके चाइना को। चाहे आप डिस्प्ले ले लो, चाहे आप ले लो टीवी ले लो, आप फ़ोन ले लो, आप अपना मिक्सर ग्राइंडर क्यों ना ले लो, आप अपने घर की HDMI केबल क्यों ना ले लो, आप अपने फ़ोन के स्पीकर्स क्यों ना ले लो, आप पंखा देख लो अपना जो आपके फ़ैन लगा हुआ है, जो आपका AC लगा हुआ है, कहीं ना कहीं चाइना का उसमें 1% या 2% हाथ है ही है। आप अपना कप पी ले लो जिसमें आप चाय पीते हो या फिर दूध पीते हो, वो भी चीनी मिट्टी से बना होता है। आजकल प्लास्टिक आ रही है बट वो भी चीनी मिट्टी से बना होता है। तो भाई अगर आप ऐसी चीज़ें फेंकने लग गए तो भाई आपके पास एक चीज़ भी नहीं बचेगी, ठीक है। तो भाई एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पहले इंडिया को खुद बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम मिनिमम 5 साल तो मुझे लगता है कि लगेंगे लगेंगे। बाकी अभी मैं बहुत ज़्यादा छोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है इस वीडियो पे 20-30 व्यूज़ मैक्सिमम 40 व्यूज़ आ जाएंगे, 50 व्यूज़ आ जाएंगे, मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर तक तो नहीं पहुँचेगी। बाकी अगर आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को तो शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि यार लोगों को थोड़ा पता लगना ज़रूरी है। अब अगर आप देखोगे कि गूगल और जो माइक्रोसॉफ्ट का CEO है वो इंडियन है, बट वही बंदे जो हैं इंडिया में भी अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते थे और हो सकता है वो ज़्यादा पैसा कमाते। बट जो पहले जो था उस वक्त लोग वैल्यू फॉर मनी फ़ोन लेना पसंद करते थे, लेकिन आजकल आप अगर अपना ब्रांड खड़ा करते हो तब आप पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी अगर आप वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हो, चाहे इन्फिनिक्स ले लो। लेकिन अगर आप इंडिया में अपना ब्रांड बना भी लोगे तब भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाइना को जाना ही जाना है, चाहे कोई वायर से जाए, चाहे उस फ़ोन के स्पीकर से जाए, चाहे उस फ़ोन के कैमरा सेंसर से जाए। बाकी एट द एंड भाई यही कहना चाहूँगा मैं कि अभी तो मत फेंको, अभी कोई ज़रूरी नहीं है फेंकना इन चीज़ों को, अभी तो भाई चलाओ जितनी चला सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ में चाइना का हाथ है ही है। बाकी हाँ अगर आप बॉयकॉट कर सकते हो कि भाई आप एकदम सादा जीवन जी सकते हो बिना कोई टेक्नोलॉजी के, बिना किसी वायर के, बिना कोई फ़ोन के, बिना कोई मिक्सर ग्राइंडर के, बिना AC के, बिना पंखे के, तो भाई आप ये बॉयकॉट कर सकते हो। वरना तो पहले आप खुद बनाओ फिर बॉयकॉट करो, उसमें ज़्यादा फायदा है। बाकी बॉयकॉट अभी कोई स्मार्टफोन की ब्रांड नहीं होएगी। अब बहुत ज़्यादा लोग हेट भी पहुँचाते हैं हमें टेक यूट्यूबर्स को, चाहे आप टेक्नो रूहेज ले लो, चाहे टेक्निकल गुरुजी ले लो, मिनिमम मिनिमम 20 से 30 कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई तू चाइना के प्रोडक्ट क्यों प्रमोट कर रहा है। दिक्कत यही है लोगों की कि भाई लोगों को समझ नहीं आता कि भाई अभी इंडिया में कुछ नहीं बना है ना। अगर आप अपने फ़ोन फेंक लोगे, आप अपना पंखा फेंक लोगे, आप अपने बर्तन तोड़ दोगे, कुछ भी कर लोगे, बट आप फिर भी अपने घर में से हर एक चाइना का प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हो। जिस टीवी पे आप न्यूज़ देखते हो, इंडियन न्यूज़ देखते हो, जिस टीवी पे नारा लग रहा होता है बॉयकॉट चाइना, वो टीवी भी चाइना का ही है, ठीक है। अभी इंडिया को अगर कुछ करना है तो अपना पहले खुद टेक को, अपने टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, मशीन्स लगानी पड़ेगी जो कि एट द एंड चाइना से ही आएगी। मशीन मशीन इंडिया में बनाओगे तो उसके पार्ट्स भी चाइना से ही आएंगे, तो एट द एंड चाइना को प्रॉफिट जाना ही जाना है। 10-20 साल लगेंगे, पूरा 5 से 10 साल लगेंगे पूरा इंडिया को इस्टेब्लिश होने में। तब तक के लिए आप अपना फ़ोन संभाल के रखो, अपने फ़ोन से मेरी वीडियो शेयर करो लोगों को, लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए। मस्त रहो, बिल्कुल बढ़िया ज़िंदगी जियो। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का काम है यार ये सब सोचना, जो वो आपको कहेगी वो आप तब कर सकते हो, बट अपने मर्जी से कुछ ना करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए। और पैकअप करते करते मुझे यार याद आया कि हेटर्स के बारे में भी कुछ मैं बोलना चाहूँगा। अब हेटर्स काफ़ी सारे बोलेंगे कि भाई तू चाइना की साइड ले रहा है, तू चाइना को प्रमोट कर रहा है, पैसे तो नहीं खिलाए, खैर चाइना वालों ने इतना, मैं बड़ा हूँ नहीं। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो चीज़ सही है वो आपको आप भी मानो, बुराई मत प्रमोट करो। जो चैनल्स के, जो टेक चैनल्स के नीचे आप जाके कमेंट कर रहे हो वो भी ना करो, रुको अभी, सब्र करो। अगर आप चाहते हो, अगर इंडिया आगे बढ़े, पढ़ो, अपना खुद का ब्रांड बनाओ और वो इंडिया से चलाओ तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। हेट में अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, बाकी पॉजिटिविटी फैलाओ। बस इस वीडियो में इतना ही था, बाय वगैरह मैं सब कर ही चुका हूँ।